Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I'm going to discuss about the components of virus, and this topic is belongs to chapter 2 of class 11th. Class 11th के जितने भी video series हैं उसके उसका जो link है मैं वो description box में दे दूंगी जिसे आप वहां से देख सकते हैं. So let's start the topic. First is components of virus. Virus consist of two parts. वायरस में जो है मेनली दो पार्ट्स होता है. एक क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जिसको जीनोम कहते हैं, और दूसरा कैप्सिड होता है. मतलब जितने भी वायरस है उनमें ये दो पार्ट्स जो है न्यूक्लियोटाइड और कैप्सिड, ये सब में प्रेजेंट होता है. बट क्या देखा जाता है कि कुछ वायरस ऐसे भी हैं जिसमें कि इनवेलप प्रेजेंट होता है. ये सारे वायरस में प्रेजेंट नहीं होते, कुछ वायरस में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ वायरस में फ्यू एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं. ऐसा देखा गया है कि वायरस में एंजाइम भी पाया गया है, लेकिन ये सारे वायरस के लिए अप्लीकेबल नहीं है, कुछ वायरस के लिए. लेकिन सभी वायरस में जो है न्यूक्लियोटाइड और कैप्सिड हर वायरस में पाए जाते हैं. तो क्या है, फर्स्ट है न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसको कहते हैं वायरल क्रोमोसोम. न्यूक्लियोटाइड क्या है कि ये वायरस में के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड या वायरस क्रोमोजोमल ये सिंगल स्टैम सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड. सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या हुआ कि वो एक मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है. मतलब न्यूक्लिक एसिड क्या हुआ, डीएनए और आरएनए. या तो आरएनए से बना होगा या डीएनए से बना होगा, दोनों से नहीं बन सकता. मतलब इसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट एक साथ नहीं हो सकता. या तो वो डीएनए होगा उसके अंदर या तो वो आरएनए होगा. ये क्या हो सकता है, लीनियर होगा या सर्कुलर होगा. तो ये अगर सिंगल है तो ये ऐसे लीनियर हो गया, और ये अगर सर्कुलर है ऐसे जैसे प्लाज्मिड, वो क्या होता है सर्कुलर. तो ये सर्कुलर अगर है तो डीएनए जो होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए और आरएनए, वो या तो लीनियर होगा या सर्कुलर होगा. और न्यूक्लियोटाइड जो होता है, जैसे कि वायरस का जो इन्फेक्शन होता है तो उसका जो मेन इन्फेक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड होता है. मतलब ये डीएनए और आरएनए ही होता है जो उसका मेन इन्फेक्टिव पार्ट होता है. ओके, तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है. और वैसा वायरस जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड जिसमें कि डीएनए हो, न्यूक्लिक एसिड अगर डीएनए हो तो उसको कहते हैं डीऑक्सी वायरस, और वैसा वायरस जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो तो उसको कहते हैं राइबो वायरस. तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये इसके एनवेलप है. ओके, ये वायरल जीनोम जिसको कि न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं या वायरल क्रोमोसोम कहते हैं, ये क्या है, ये है कैप्सिड, यह है कैप्सिड है. ओके, और ये है एंजाइम एंड दिस इज द इनवेलप. ये इनवेलप है जो वायरस के चारों साइड है, और ये इसके इसमें क्या है, इनवेलप के ऊपर क्या होता है, इनवेलप प्रोटीन होता है. तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वायरस. अब है कि जो डीएनए है, सॉरी जो न्यूक्लिक एसिड है, वो दो सब यूनिट का है. एक कैसा हो सकता है, एक तो डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है. या तो ये डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंडर्ड होगा. ओके, तो इस आधार पे जो है बांटा गया है डबल स्टैंडर्ड डीएसटीएनए और डीएसटीएनए कहते हैं. मतलब जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो तो ये जो है ज्यादातर किस में पाया जाता है, T2 T4 बैक्टीरियोफेज में, पॉलीफेज लैम्डा, कॉलीफ्लावर मोजाइक, पॉक्स वायरस में, एडिनोवायरस में, हर्प्स वायरस में क्या होता है, लीनियर होता है. पॉलियोमा वायरस, साइमन वायरस 40, हेपेटाइटिस बी. अब हेपेटाइटिस बी में कैसा होता है, ये सर्कुलर फॉर्म में. तो डबल स्टैंडर्ड जो न्यूक्लियोटाइड है वो इन सारे वायरस में प्रेजेंट होते हैं. नाउ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, वैसा वायरस जिसमें डीएनए प्रेजेंट हो वो कैसा हो, सिंगल स्टैंड हो. तो वो कॉलीफेज MS2 में प्रेजेंट है, कॉलीफेज FD ये लीनियर प्रेजेंट है, कॉलीफेज OX174 इसमें क्या होता है, सर्कुलर प्रेजेंट होता है. जो सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड है उसको क्या कहते हैं, पल्स स्ट्रैंड भी कहते हैं. ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री और निगेटिव स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज टू प्रोड्यूस, जैसे कि ये डीएनए है. ओके, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, इसका क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये इसका और जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से ये बाद में क्या फॉर्म कर देता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म. अब यहाँ जैसे देखेंगे डबल स्टैंडर्ड, अगर हम इस वायरस को देखें तो यहाँ क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. ओके, यहाँ डबल स्टैंडर्ड है, और हम इस वायरस को देखें तो यहाँ क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको लीनियर डीएनए भी. अब है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड, जिसमें कि आरएनए का डबल स्टैंडर्ड, उसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो किसमें होता है, रियो वायरस और ट्यूमर वायरस
5 में पाया जाता है, और दोनों में क्या होता है, ये लीनियर होता है। अब है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, में कि जैसे ये राइबो वायरस में क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बहुत कॉमन होता है एंड जनरली क्या होता है, ये भी लीनियर होता है। जैसे कि पॉलीमेलाइटिस वायरस, फूट एंड माउथ वायरस डिजीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस है, टोबैको नेक्रेसिस वायरस है, पोटैटो मोजाइक वायरस, बीन मोजाइक वायरस, रेट्रो वायरस। तो ये सारे जो वायरस है इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ देखें हम, तो ये क्या है, ये आरएनए है जो वायरस के अंदर प्रेजेंट है, और ये कैसा है, ये है सिंगल स्टैंडर्ड है। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। ओके, यहाँ क्या है, ऐसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो दिस इज द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो वायरस में प्रेजेंट हो। ह्यूमन एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचटीएलवी थर्ड और एड्स वायरस, जैसे ये सारे वायरस हैं, एचटीएलवी, एचटीएलवी 11, ह्यूमन टी रेट्रो वायरस, रोकस सेक्रोनोमा वायरस, ये सारे वायरस हैं। आगे है कि रेट्रो वायरस क्या है, हैज़ टू कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड। जो रेट्रो वायरस है उसमें क्या होता है, टू कॉपीज ऑफ, मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, का दो कॉपी पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंगल स्टैंड और ये दूसरा सिंगल स्टैंड, और इससे क्या फॉर्म्ड होता है, वो डिप्लॉयड फॉर्म्ड कर। जो वायरल क्रोमोसोम्स है जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जीन कंटेंट नहीं होता है, मतलब बहुत कम जीन प्रेजेंट होता है, डज नॉट कंटेंट मेनी जीन्स। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि T4 बैक्टीरियोफेज है जिसके अंदर क्या होता है, 100 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वायरल क्रोमोसोम या न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड मतलब ये ऐसा कॉइल्ड होता है, ठीक है। और ये जो कॉइल्ड होता है वो किसके हेल्प से कॉइल्ड होता है, तो पॉलीअमाइंस या प्रोटीन, प्रोटीन्स के, इंटरनल प्रोटीन से। ये जो न्यूक्लिक एसिड, ये जो कॉइल्ड हुआ, तो ये किसके हेल्प से हुआ, तो ये इंटरनल प्रोटीन के हेल्प से ये जो है वायरल क्रोमोसोम्स कॉइल्ड होता है। सेकेंड वन क्या है, कैप्सिड, जो सारे वायरस में पाए जाते हैं, इसको सीथ या कोट भी कहते हैं। तो ये जो सीथ और कोट है ये किसका बना होता है, प्रोटीनियस है, मतलब प्रोटीन का बना होता है, जो वायरस के चारों ओर रहता है। वायरस के किसके चारों ओर रहता है, तो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है। जैसे यहाँ ये क्या है, ये है न्यूक्लिक एसिड, या इसको कहते हैं कि, या इसको कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए आरएनए दोनों आता है, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड है, और इसके चारों ओर ये क्या है, ये क्या है, कैप्सिड है, ठीक है। जैसे आप यहाँ भी दे सकते हैं, तो ये डीएनए अंदर है और ये क्या है, पूरा कैप्सिड है, और यह न्यूक्लियोटाइड्स है। तो न्यूक्लियोटाइड्स के चारों ओर जो प्रोटीन कवर रहता है उसको कहते हैं कैप्सिड कहते हैं, और उसके सब यूनिट को कहते हैं कैप्सोमर्स या कैप्सो, यहाँ कैप्सोमियर्स और कैप्सोमर्स। तो ये सब यूनिट क्या है, जैसे कि ये सिंगल है, ये क्या है, यही है कैप्सोमर्स या कैप्सोमियर्स। तो ये सिंगल यूनिट, एक एक यूनिट से मिलकर ये कैप्सिड बना, इसको हम कैप्सोमर्स या कैप्सोमियर्स कहते हैं। जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस है जिसमें कि 2130 कैप्सोमियर्स पाया जाता है। इन बाइनियल बैक्टीरियोफेज, अब बाइनियल बैक्टीरियोफेज क्या हुआ, कि जिसमें क्या होगा कि ये हेलिकल शेप भी होगा और क्यूबाइडल शेप भी होगा। जैसे बैक्टीरियोफेज अगर देखते हैं तो वो बाइनियल शेप का होता है। उसका जो कैप्सिड, कैप्सिड शीथ ऑफ टेल, जो उसका टेल होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब क्या हुआ, कि वो कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, उसके पास एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। तो इसका जो कैप्सिड शीट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। नाउ थर्ड वन इज इनवेलप, इनवेलप है, ये जो है सभी वायरस में प्रेजेंट नहीं होता है, ये कुछ वायरस में प्रेजेंट। जैसे ये इट अकर्स इन सम एनिमल वायरस, कुछ एनिमल वायरस में प्रेजेंट होते हैं, और बहुत रेयरली जो है ये प्लांट और बैक्टीरियल वायरस में प्रेजेंट होते हैं, बहुत रेयरली। तो वायरस जिसमें इनवेलप नहीं होता उसको कहते हैं नेकेड, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या इनवेलप नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, नेकेड। अब इनवेलप कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, अब इनवेलप में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन कहाँ, किसका होता है, वायरस का होता है, और दूसरा क्या होता है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रॉम होस्ट से। वायरस किस में रहता है, होस्ट के बॉडी में रहता है, तो होस्ट का जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स है और वायरस का जो अपना प्रोटीन है वो किस में रहेगा, वो इनवेलप में रहता है, ठीक। और इसके सब यूनिट को क्या कहते हैं, पैप्लोमियर्स या पैप्लोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो इसका सरफेस होता है, जो ये जैसे इनवेलप है, इनवेलप का ये जो सरफेस है, में ये आउटग्रोथ स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, स्पाइक्स कहते हैं। जो इनवेलप पे जो आउटग्रोथ स्ट्रक्चर है, जो निकला सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर दिख रहा है, वो क्या कहलाता है, ये स्पाइक्स कहलाता है।
जैसे कि कॉमन इनवेलप्ड वायरस, जैसे कुछ इनवेलप्ड वायरस का नाम दिया गया है, HIV, हर्प्स वायरस, वैक्सीना वायरस, और भी बहुत सारे वायरस हैं जिसमें क्या होता है, इनवेलप प्रेजेंट होता है। ठीक, अब फोर्थ वन इज एंजाइम। एंजाइम क्या है, ये ओकेजनली प्रेजेंट होता है, मतलब ये सब में प्रेजेंट नहीं होता, ये कुछ वायरस में प्रेजेंट। जैसे फर्स्ट एंजाइम लेते हैं लाइसोजोम, तो लाइसोजोम क्या होता है, प्रेजेंट इन द ऑरिजिन, ये सॉरी प्रेजेंट इन द रीजन, वो वैसे रीजन में प्रेजेंट होता है जिस जो रीजन जो है होस्ट के सेल से क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। मतलब ये जैसे होस्ट का सेल है, तो होस्ट के सेल से मतलब जैसे ये वायरस है, ओके ये वायरस है, तो ये वायरस जैसे इस रीजन से होस्ट के सेल से कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो इसी रीजन में क्या होगा, एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो लाइसोजोम। अब है अदर एंजाइम जिसको कहते हैं न्यूरोमिनिटाइजेस, जो इन्फ्लुएंजा वायरस में, आरएनए पॉलीमरेज में, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में, सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब है कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग बींग्स को भी, नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनसे भी मिलता जुलता है, और लिविंग थिंग्स से भी मिलता जुलता है, मतलब ये दोनों के बीच का है। तो पहले क्या, नॉन लिविंग थिंग्स से क्या मिलता है, तो लैकिंग प्रोटोप्लास्ट। अब ये प्रोटोप्लास्ट क्या है, कि जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे प्लांट सेल लेते हैं, तो सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। तो जब सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। दूसरा क्या होता है, ये क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टलाइज्ड होता है, मतलब ये कैसा फॉर्म होता है, फॉर्म करता है, क्रिस्टल फॉर्म बनाता है। जैसे एग्जांपल है टोबैको मोजाइक वायरस, पोलियो मेलाइटस वायरस है। दूसरा है, थर्ड वन है कि ये जो है इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सेल, ये लिविंग सेल के बिना जो है वो नहीं रह सकता, मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सेल्स, इनएबिलिटी, अगर इसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करना है तो उसको का मतलब होस्ट सेल में रहना होगा, फिर वो डिपेंडेंट है, ठीक है, होस्ट सेल के बिना उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होता। फोर्थ वन इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रेजेंट होता है, जो सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कि उसको रिजेंबलेंस नॉन लिविंग से, इसमें ना रिस्पायरेशन होता है, ना इसमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है, ना ही इसमें ग्रोथ और डिवीजन होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि जिससे कि ये पता चलता है कि वायरस जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता है। वायरस रिजेंबल्स लिविंग बींग्स। अब वायरस जो है लिविंग बींग से कैसे मिलता है, या लिविंग ऑब्जेक्ट से कैसे मिलता है, तो फर्स्ट क्या है कि वायरस फॉर्म्ड ऑफ, किससे बना है, फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक मतलब क्या हो गया, कि वैसा जो लीनियर हो या लॉन्ग चेन में हो, ओके, और किसका बना हो, कार्बन एटम का बना हो, और कार्बन एटम से क्या जुड़ा हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जब ये सब जुड़ा हो तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल्स, जो बड़ा बड़ा ये चेन होता है, लॉन्ग चेन होता है, उसको कहते हैं। तो बींग फॉर्म्ड ऑफ, ये जो वायरस होता है ये ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल से फॉर्म्ड होता है, जो कि लिविंग बींग्स में होता है। आगे क्या है कि इसमें भी जेनेटिक मटीरियल होते हैं, DNA और RNA इसमें भी प्रेजेंट होता है। तो ये वायरस क्या है, लिविंग बींग से रिजेंबल करता है। वायरस भी जो है मल्टीप्लाई भी कर सकता है और रिप्रोडक्शन भी करता है। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या हुआ कि अगर सडन चेंज हो जाता है, ठीक है, सडन चेंज, अगर जेनेटिक मटीरियल में सडन चेंज हुआ तो उससे क्या होता है, म्यूटेशन होता है। तो वायरस में भी म्यूटेशन होता है, और सबसे ज्यादा म्यूटेबल वायरस जो होता है वो HIV और एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसकी होता है, वो वायरस होता है। क्या इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है। इसके अंदर जो वायरस के अंदर होते हैं एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ वायरस होते हैं उसके अंदर एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज। अब जैसे कि सम वायरस है लाइक एन पॉक्स वायरस, जिसके अंदर विटामिन होते हैं राइबोफ्लेविन और बायोटीन, और ये राइबोफ्लेविन बायोटीन ये ऑल बी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होता है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या हुआ, कि ये जो है इम्यून सिस्टम को क्या करता है, पुश करता है, जिससे कि वो रिस्पॉन्स जनरेट करे, और जैसे ही वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। तो इसके अंदर भी क्या है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि लिविंग लिविंग्स के अंदर होता है। ये इन्फेक्टिविटी होता है एंड होस्ट स्पेसिफिक, मतलब ये इन्फेक्शन करता है, और दूसरा क्या है, बिना होस्ट के इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए इसको होस्ट चाहिए ही चाहिए, जिससे कि वो अपना मल्टीप्लीकेशन कर सके, इसे रिप्रोडक्शन कर। वायरस आर किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग एंड अल्ट्रा वायलेट एक्सरे, तो यूवी रे से और ऑटोक्लेविंग से ये क्या होता है, किल्ड होता है। ऑटोक्लेविंग क्या है, ये एक तरह का डिवाइस है जिसके अंदर, जिसमें जिसको जो है वैसे उस डिवाइस को
बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और जिससे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। तो ये वायरस ऑटोक्लेविंग और अल्ट्रावायलेट एक्सरे से किल्ड होते हैं। अब ये क्या होता है, जो वायरस होता है जो ये मल्टीप्लाई करता है, ये ट्रू ब्रीड कहते हैं इसको। ट्रू ब्रीड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो मल्टीप्लीकेशन करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, एग्जैक्ट कॉपीज फॉर्म करता है, वो अपना एग्जैक्ट कॉपीज फॉर्म करता है। और इसमें जितना अगर वेरिएशन भी होता है तो वो भी क्या होता है, इनहेरिटेबल होता है। ये जो वायरस है ये बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल में टेक ओवर, मतलब जो होस्ट सेल के अंदर जो भी बायोसिंथेटिक मशीनरी, जो भी सिंथेसिस होते हैं, उसको क्या करता है, ये वायरस ले लेता है, और ये वायरस उसको लेकर केमिकल प्रोड्यूस करता है जिससे कि मल्टीप्लीकेशन होता है। वायरस जो है बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे क्या है, कॉमन कोल्ड है, एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है, मम्स है, पोलियोमेलाइटिस है, रेबीज है, हर्ब्स है, एड्स है, ये सारा क्या है, वायरस है, जिसकी वजह से ये सारे इन्फेक्शन भी होते हैं। वायरस जो है वो लार्ज साइज का भी होता है, बड़ा साइज का भी होता है, जिसको माइक्रोमीयर्स कहते हैं, जो 1 μm से बड़ा होता है के आसपास होता है, जिसमें लगभग 2500 जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ओमेगा मस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विथ ऑल फ्रेंड्स, एंड stay tuned and keep watching. Thank you so much.